झांसी की नगर पंचायत मोट में नगर निकाय चुनाव मतगणना के बाद से खलबली मची हुई है, जिसमें सत्ता पक्ष एवं निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीते हुए निर्दलीय प्रत्याशी पर धोखाधड़ी, वोटर लिस्ट में गलत तरीके से नाम बढ़ाने का आरोप लगाया। वहीं तहसील स्तरीय अधिकारियों के खिलाफ भी मोर्चा खोला था, जिसमें एडीएम द्वारा जाँच की जा रही है। झांसी जिले की मोट नगर पंचायत चुनाव के दौरान सत्ता दल और निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपनी अपनी ताल ठोकी थी। उपरांत इसकी मतगणना के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी देवेंद्र गोसाई की बड़ी मां मीरा देवी ने जीत हासिल की थी, जिसके बाद सत्ता दल एवं निर्दलीय प्रत्याशी जीते प्रत्याशी के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। कभी उसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं, तो कभी दूसरे मकान संख्या पर निवास, तो कभी मतगणना में गड़बड़ी के आरोप से लेकर तमाम आरोप जड़ डाले। साथ में उपजिलाधिकारी पर भी सत्ता दल के प्रत्याशी ने आरोपों की झड़ी लगा दी। फिलहाल जांच के लिए झांसी जिलाधिकारी से शिकायत की गई है, जिसकी जांच झांसी अपर जिलाधिकारी श्यामलता आनंद को सौंपी गई। अपर जिलाधिकारी ने दोनों पक्षों के दस्तावेज देख मौके का मुआयना किया है। बीएलओ से मामले की जांच की, तमाम दस्तावेजों के बावजूद भी निर्दलीय प्रत्याशी की जीत एक तरफा नजर आई। वहीं बार बार निर्दलीय प्रत्याशी को अनावश्यक रूप से परेशान करने की वजह से नगर के लोगों में रोष व्याप्त है, और जब नगर के लोगों ने यह सुना कि जांच होने आई है, तो नगर के सैकड़ों लोग जांच की गवाही और जीत का डंका पीटने या यूं कहें कि जीत का सेहरा पहनाने मोट तहसील जा पहुंचे, जहां पर जिलाधिकारी के मुताबिक अब तक दोनों पक्षों की ओर से दिए गए दस्तावेजों के आधार पर कोई भी ऐसे तथ्य सामने नहीं आए हैं जिसके आधार पर कोई भी आरोप की पुष्टि की जा सके। यहाँ एक मामला चल रहा है प्रत्याशी द्वारा वोटर को लेकर, क्या है मामला और क्या उसमें होगा? यहाँ पर मोट के एक जो प्रत्याशी हैं उनके द्वारा शिकायत करी गई है, जो यहाँ के विनिंग कैंडिडेट हैं उनके संबंध में उन्होंने कुछ तथ्य प्रस्तुत किए हैं। उन्हीं तथ्यों की जांच करने के लिए मैं यहाँ पर आज उपस्थित हुई हूँ, और इसी के संबंध में दोनों पक्षों को बुलाया गया। दोनों पक्षों ने अपने तथ्यों को हमारे सामने प्रस्तुत करने के लिए अपने अपने साक्ष्य दिए हैं। उन सभी साक्ष्यों को देख लिया गया है और बाकी मौके को भी देख लिया गया है। साथ में हमारे दोनों ही पक्षों के लोग उपस्थित थे, वहाँ के मोहल्ले के जो भी सदस्य हैं, जो भी वहाँ के नागरिक हैं वो भी उपस्थित थे, तहसील की तरफ से लेखपाल और बीएलओ भी मौके पर उपस्थित थे। तो जो भी जांच चल रही है या जांच के जो भी निष्कर्ष होंगे उस निष्कर्ष से आप सभी को अवगत करा दिया जाएगा।